अज नवी दिल्ली विच बहादुर जफर मार्ग रोड उत्ते दिल्ली दे लोकां ने केंद्र सरकार दे काले कानूनां खिलाफ विरोध प्रदर्शन करदे हुए बिल्लां नूं साड़िया। गुरबचन सिंह बब्बर की अगवाई विच वड्डी गिणती विच लोक इकट्ठे हुए जिन्हां ने मंग कीती कि वह प्रधानमंत्री निवास वल जाना चाहते हैं, पर पुलिस ने उन्हां नूं रस्ते विच ही रोक लिया। इस संबंधी गुरचरण सिंह बब्बर ने प्रेस ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। वहाँ हमारे इस रोड से ही वो आपको निकल भी बताया था। नहीं, आपका आपकी आपने बताया सभी के लिए है, किसानों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सभी के। तो आपका ये कहना है कि हम साउथ ब्लॉक नहीं जा सकते, हम प्रधानमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते। सर, हमारा वहाँ जाना जरूरी है, हमारे हजारों भाई हरियाणा के बॉर्डर में, पंजाब के बॉर्डर पर, हमारे भाई गाजियाबाद बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर पर, यूपी के हमारे किसान भाई, हमारे मध्य प्रदेश के भाई, हमारे हरियाणा के भाई, सारे के सारे आपको बॉर्डर पे बैठे हैं। जाना है तो आप अपॉइंटमेंट ले लें, ऑफिस में चिट्ठी डाल दें, आपको बुला लें। हमने उन्हें इंटीमेट कर रखा है जनाब कि हमने आना है। इंटीमेट करना नहीं होता ना, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये हमने पूरी कार्रवाई कर रखी है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आपके पास आ जाएगा लेटर जब भी उनके पास टाइम होगा। बात ये है, रातें ठंडी हैं, बड़ी काली हैं और लोग ठठुर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम वहाँ जाकर उनको बताएं। देखो, ये कानून जो है भारत सरकार ने जबरन बनाया है, किसानों से बात नहीं की, किसानों के ऊपर ये काले कानून थोप दिए हैं। हम मोदी सरकार को ये संकेत दे रहे हैं कि हम इन तीनों कानूनों को रिजेक्ट करते हैं। किसान हिंदुस्तान का इन कानूनों को नहीं मानता, इसलिए हम सब किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब किसान हैं। ये किसी धर्म या मजहब का मामला नहीं है, ये किसानों का मामला है। और किसान ये तीनों कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, वो ये सारे दिल्ली के जो बॉर्डर हैं इनसे नहीं हटेंगे। और हम अपने भाइयों के समर्थन में इन तीनों काले कानूनों को आग लगाकर सरकार को बताना चाहते हैं, ये तुम्हारे कानून हमने जला दिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पूरा निखार ते आपा हुण हां जी खाने तो उस तो बाद दोबारा पक्का अपना ते होर वीरा दे नाल गलबात कर गया। तीनों काले कानून ने किसानां नूं तबाह करन वाले ने। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਘਿਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ,
फिर उन्होंने बंदरगाहां लिया, उन्होंने कोले दियां खाना लिया, डायमंड दियां खाना लिया, उन्होंने मोबाइल सारे ले ले, उन्होंने नेटवर्किंग सारी ले ली, उन्होंने टीवी चैनल सारे ले ले। हुण उन्होंने किसानां नूं मारन वास्ते, किसानां दियां सारा कुछ उन्हां कोल खोण वास्ते अंबानिया दे वास्ते ए तीन कानून बनाए ने जिन्हों असी अज साड़न लगे हैं। सरकार ने असी साउथ ब्लॉक जाना है, नरेंद्र मोदी के दफ्तर के बाहर जाना है। सानू चारों तरफ दिख रहा है कि बहुत वड्डा पुलिस का प्रबंध है जिहड़ा सानू प्रधानमंत्री के दफ्तर जाने तो रोकया जा रहा है, जबरन रोकया जा रहा है। असी डरते नहीं हाँ, असी मरन नू तैयार हाँ, असी कुर्बानी देन नू तैयार हाँ, पर असी किसी भी कीमत ते ए तीन काले कानून लागू नहीं होण देणे, ए साडा फैसला है। जब तक तीन काले कानून वापस नहीं होंगे तद तक अंदोलन नहीं खत्म होएगा, किसी भी कीमत नहीं होएगा। यह मामला सिखां दा नहीं है, यह मामला सिर्फ सिख किसानां दा नहीं है, यह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे किसान ने, सारे हिंदुस्तान दे किसानां दा मामला है। चाहे उड़ीसा दे होन, चाहे महाराष्ट्र दे होन, चाहे बिहार दे होन, चाहे यूपी दे होन, चाहे झारखंड दे होन, चाहे राजस्थान दे होन, चाहे यूपी दे होन, यह सारे किसानां दा मामला है। हिंदू सिख मुसलमान ईसाई असी सारे भरा हैगे आ, सारे भाई हैगे आ, सारे एक मुठ्ठा। हरियाणा दे मेरे वीर सारे किसान, पंजाब दे सारे किसान, यूपी दे सारे किसान और हिंदुस्तान दे सारे किसान, असी सब एक आ।